टेक्निकल लाइव स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइव स्टार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों वो वीडियो समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ये आपके लिए छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैं इसे बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो इसलिए एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, आय प्रमाण पत्र के बारे में तो मैं पहली वीडियो में मैं भी बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है वेलकम टू सिटीजन सर्विस। ये आपको सर्च करना है गूगल पर। देखिए, मैंने सर्च कर दिया है, और उसके बाद में देखिए इस तरह की वेबसाइट, मतलब इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। ये लिखा होगा उस पर वेलकम टू सिटीजन सर्विस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दी। तो देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाती है। तो दोस्तों, ये सरकारी वेबसाइट है, इस पर आप आय, जाति, मूल्यवास और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ भी बना सकते हैं। तो इस सबसे पहले इसमें आपको एक आईडी बनानी होती है। आईडी बनाने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है, तो तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे और तभी आप आय, जाति, मूल्यवास ये बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको न्यू यूज़र पर क्लिक कर देना है। यहां पर न्यू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यदि आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा कि लॉगिन आईडी। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको लॉगिन आईडी डालनी है इसके सामने। तो आपको देखिए, लॉगिन आईडी जो बनानी है दोस्तों, आपको 6 से 8 कैरेक्टर्स की ही मान्य है, मतलब आपको 6 से 8 वर्ड तक की ही आपको लॉगिन आईडी बनानी है। लॉगिन आईडी आपको खुद ही बनानी है, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड होने चाहिए वो अल्फ़ाबेट में ही होने चाहिए, जैसे ABCD, मतलब अल्फ़ाबेट में होने चाहिए। तो आप 8 वर्ड की बना सकते हैं, जैसे आपका नाम अजय कुमार है तो आप 8 वर्ड की बना सकते हैं, अजय और के, AJAYKUM, ऐसे आप 8 वर्ड की बना सकते हैं लॉगिन आईडी। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है अभी तक का नाम। तो इसमें दोस्तों आपको अपना नाम डालना है इसके सामने, और उसके नीचे आपको जन्मतिथि का ऑप्शन है, इसमें आपको अपनी जन्मतिथि डाल लेनी है। और उसके बाद में आपको इसमें सामने सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो इसमें पुरुष, महिला, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में अगला ऑप्शन है आवासीय पता, कि जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको पता डालना है यहाँ पर, और उसके नीचे पिन कोड दर्ज करें। यहाँ पर इसके नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, और उसके बाद में आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सामने, इस पर क्लिक कर, और उसके बाद में नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यदि आपके पास ईमेल है तो ईमेल डाल सकते हैं। देखिए, ईमेल एरा, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं ईमेल। और उसके बाद में सुरक्षा कोड, आपको सुरक्षा कोड डालना है। ये देखिए, ये रहा सुरक्षा कोड डालना है आपको। देखिए, अभी सुरक्षा कोड अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क बहुत स्लो है, इसलिए सुरक्षा कोड नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो सुरक्षा कोड आ जाएगा। सुरक्षा कोड आने के बाद में आपको इसके नीचे सुरक्षा कोड को डाल देना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। और दोस्त, सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों इसके बाद में अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए इस पर लिखा हुआ कि OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, मतलब जो आपने नंबर डाला था इससे रजिस्ट्रेशन के समय, तो उस पर आपको एक OTP मिला होगा जो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको उस OTP को पासवर्ड के रूप में डालना है। उसके बाद में अब देखिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर आपको क्लिक करना है। पृष्ठ पर आने के बाद में अब देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन टाइप, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और नीचे वाला ऑप्शन है यूज़र नेम, तो दोस्तों आपको जो यूज़र नेम है, जो आपकी ID थी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपकी ID डाली थी आपने, तो वही आपका यूज़र नेम होता है। और दोस्तों पासवर्ड आपको पासवर्ड डालना है अपना। पासवर्ड आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जब आपने जो नंबर डाला था अपना फ़ोन नंबर, उस पर आपको मैसेज के द्वारा आ जाएगा। और जो उसमें लिखा होगा योर सर्विस, मतलब एस वो पासवर्ड OTP होगा, उस OTP को ही आपको पासवर्ड के रूप में इसमें डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड होगा। दोस्तों कैप्चा कोड अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि स्पीड बहुत स्लो चल रही है। दोस्तों आप इस पे यहाँ पर क्लिक कर रेड कलर के ये जो यहाँ पर ऑप्शन, इन पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जब आपका कैप्चा कोड आ जाएगा तो नीचे वाले बॉक्स में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ अब मैं। अब देखिए अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो जिसमें आपका यूज़र नेम होगा ऊपर तो और OTP होगा। तो आपको दोस्तों अब आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों आपको सामने अपना नया पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड को आपको दोबारा से डालना है, मतलब पासवर्ड आपका 8 अंक से कम का नहीं होना चाहिए। और ये देखिए नीचे एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, देखिए इस तरह से आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपको अल्फाबेट डालना है, @ डालना है और न्यूमेरिकल की डालनी है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको इस तरीके से अपना पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड बदलें, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको पासवर्ड बदलने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है वापस पर क्लिक कर देना है। तो आपको फिर इसमें लॉगिन कर लेना है, दोबारा से आपको इसमें लॉगिन करना है। देखिए जब आप इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, निर्देश है, आवेदन भरें, आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क भुगतान, आवेदन सूची। तो दोस्तों आपको सबसे पहले निर्देश का ऑप्शन आता है, तो इसमें आपको निर्देश पर क्लिक कर देख लेना है कि क्या है इसमें। तो देखिए राष्ट्रीय सूची केंद्र द्वारा विकसित, इसे आपको पढ़ सकते हैं। देखिए ये इसके निर्देश हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, आवेदन भरें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने इंटरफेस आ जाता है कि आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि सेवा को चुनें, तो इसमें आपको सेवा को चुन लेनी है। यहाँ पर चयन करें, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र, और उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। तो इसमें से देखिए आप क्या बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखिए जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो इसे आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका नाम डालना है और पिताजी का नाम डालना है, आपको ये अपनी सारी डिटेल भर लेनी है। उसके बाद में देखिए आपको ये उसके बाद में देखिए
जो ऑप्शन है लास्ट वाला उसे मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए संलग्न शीर्षक, तो इसमें देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर। देखिए तो देखिए अब इसमें यह आता है कि आप जो इसमें दोस्तों आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको इसमें आप क्या लगाना चाहते हैं। अब देखिए आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे जब आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोटो का है, तो आपको अपने एक इसमें तीन चीज़ आपको अपलोड करनी है, एक तो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और दूसरा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। मतलब ये देखिए क्या होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, क्या होता है आपको अपने पास से बनाना होता है इसे, और उस पर आपको लिखना होता है कि मुझे किस कारण इसे बनाना पड़ रहा है। आपको सभी डिटेल में आपको इसे लिखकर और इसका फ़ोटो खींचकर इसे अपलोड करना होता है इसमें, और उसके बाद में एक फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और उसके बाद में आपको तीन चीज़ करनी होती है इसमें, और आपको इसमें राशन कार्ड की छाया पड़ती है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आप अपना आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड के लिए आपको अन्य पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये सब अपलोड करने के बाद में तो आपको देखिए दर्ज करें पर क्लिक कर देना है। देखिए जब आप दर्ज करने पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपके आवेदन संख्या होगी और आपकी जन्मतिथि और इसमें आपकी सारी डिटेल होगी। तो उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको नीचे आना है और इसे यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आ गए, क्योंकि आपकी आवेदन संख्या आपको डालनी होगी जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, जब आपका ये बनकर आ जाएगा। तो इसलिए आपको इसे प्रिंट कर लेना है अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर से। तो इसके बाद में आपको अब बात आती है कि इसका भुगतान कैसे करें। तो भुगतान करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है सेवा करने के लिए, यहाँ क्लिक करें सेवा भुगतान करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो मैंने क्लिक कर दिया है इस पर। तो इसके बाद में देखिए एप्लीकेशन नंबर है, देखिए ये हमारा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, मैंने देखिए सबमिट पर क्लिक कर दिया है। और देखिए इस पर ओनली 10 रुपये का चार्ज है। यदि हम किसी दुकान पर जाते हैं या किसी जनसेवा केंद्र पर जाते हैं तो हमसे वो 100 रुपये ले लेता है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है फोरसेट विथ पेमेंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो ये अगला पेज लोडिंग हो रहा है। तो देखिए ये पेज लोडिंग हुआ है और देखिए 10 रुपये का भुगतान करना है हमें। तो इसलिए आपको देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग। तो आप जिस तरीके से चाहे आप अपना भुगतान कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड है। आपके पास यदि ATM कार्ड है तो उससे आप डेबिट कार्ड ATM कार्ड से आप इसमें भुगतान कर सकते हैं 10 रुपये का। तो जब आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपके ATM पर आपका नंबर है आपको अपना ATM नंबर डालना है, और इसमें एक्सपायरी डेट डालनी है और ईयर डालनी है। तो उसके बाद में CCV होता है एक, वो आपको CCV डालना है, और उसके बाद में जो भी आपका नाम है उस ATM कार्ड में, कार्ड होल्डर नेम, वो आपको नाम डाल देना है इसमें, और फिर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपकी जो पेमेंट है तो ये जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका ये जो फॉर्म है आवेदन के लिए चला जाएगा ऑनलाइन। तो अब मैं बताता हूँ कि इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको वापस वहीं पर ही जाना है साइट। देखिए मैं वापस साइट पर आ गया हूँ, और उसके बाद में देखिए अब आवेदन हम कर चुके हैं। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब हम भुगतान भी कर चुके हैं, तो उसके बाद में आवेदन की सूची है, तो ये भी मोस्ट नहीं है ज़्यादा। उसके बाद में निस्तृत आवेदन, निस्तृत आवेदन का मतलब है इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये आवेदन है वो अब मतलब सक्सेसफुल हो गया है या नहीं। तो उसके बाद में आपको
या यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका अभी आया है या नहीं आया है बनकर, अभी बना है या नहीं बना है, तो इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट सर्विस पर क्लिक करने के बाद में, इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, तो इसलिए आपको यहाँ पर कास्ट पर क्लिक करना है। कास्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये दिखा रहा है देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब अभी तक हमारा बनकर नहीं आया है। तो एक महीना लग सकता है इसे बनने के लिए। तो दोस्तों अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है। तो देखिए उसके बाद में अगला ऑप्शन है रसीद की प्रतिलिपि। तो ये जो आपका जब ये बनकर आ जाएगा तो आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपको आवेदन पत्र संख्या भरनी है, जो आप आवेदन पत्र संख्या थी आपकी वो इसमें डाल देनी है। उसके बाद में सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो ये रसीद की प्रतिलिपि है वो आ जाएगी। उसे आपको प्रिंट कर लेनी है और उस पर दोस्तों मोहर लगवा लेनी है किसी से, मतलब वो सरकारी सर्वेंट होना चाहिए। आप किसी से भी लगवा सकते हैं मोहर, उससे तहसील में जाकर भी लगवा सकते हैं मोहर, तो आपको मोहर लगवाना ज़रूरी है, उस पर मोहर लगवा लेना। तो देखिए इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।